गया के सर्वधर्म संभाव के प्रतीक खानकाह हजरत मखदूम दुर्वेश का दरगाह बीथो शरीफ का रोड जर्जर हो गया है, जिसके कारण यहां के स्थायी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई बार दुर्घटना भी हो चुकी है। इस पर खानकाह एक कारीमिया सज्जादान सीन जनाब गुफरान अशरफी ने बताया कि इस स्थान पर सभी धर्मों के लोग आते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, प्रशासन के आला अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस रोड पर किसी का ध्यान नहीं है। साथ ही अवैध बालू खनन के कारण सैकड़ों ट्रैक्टर प्रतिदिन इस रास्ते से गुजरते हैं, जिसके कारण यहाँ रोड हालत जर्जर हो गया है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि कई बार लिखित और मौखिक सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक किसी तरह का भी ध्यान नहीं दिया गया है। तो सीधा सीधी है, क्योंकि यहाँ से बालू निकलता है, यहाँ पब्लिक आती है, गांव के आगे कुछ भट्टा है, तो जब गांव के आगे कुछ भट्टा है तो वो लोग कोयला भी मंगाते हैं, लकड़ी भी मंगाते हैं, ईंटा भी भेजते हैं, और हवा वगैरह जो चलता है उससे ये रास्ता ख़राब होता है। बालू अभी भी निकलता है? बालू निकलता है हम नहीं जान सकते, क्योंकि हम तो घर पर रहते हैं, जाते नहीं, लेकिन सुनते हैं कि बालू निकलता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं निकलता होगा, जब चूल्हे चुप्पी सही लगे। आपने कभी ये शिकायत किया किसी से कि मतलब ये जो सड़क है और इस स्थान में जो ज्यारत करने वाले लोग हैं उनको आने में मतलब तकलीफ हो गया उनसे? देखिए, ये बहुत जगह है जहाँ मुख्यमंत्री भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बराबर आता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को सारी खबर रहती है। इनके पास डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास डिपार्टमेंट है, खुफिया विभाग भी है इनके पास, तो एडमिनिस्ट्रेशन बेखबर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी खबर है। अब वो निगाह क्यों नहीं करती है, इस पर ध्यान क्यों नहीं देती है, इस रोड के साथ सौतेलापन क्यों है, इसकी वजह बताना मुश्किल है। तकलीफ़ तो है, हम लोगों को भी तकलीफ है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। पानी का जल जमाव है, अभी बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो पैदल तो खैर चलना ही नामुमकिन हो रहा है। हम लोग गाड़ी से जाते हैं तो लगता है कब उलट जाएंगे, किधर गिर जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो आपने कभी मतलब यहाँ के स्थानीय प्रशासन को ध्यान आकर्षित कराया? भाई मेरे यहाँ खुद सुरेंद्र यादव आते हैं, बराबर आते हैं, आप डिपार्टमेंट सब जानता है कि मेरे यहाँ सारे लोग आते हैं, लेकिन अब तो उनकी भी जिम्मेवारी है ना, वो भी तो इसी हचका में आते हैं, इसी से हचका खा के आते हैं। जिम्मेवारी मेरी तो नहीं है, ये जिम्मेवारी तो उन सारे लोगों की है जो इस रोड पर सफर करते हैं। दुर्घटना होने का भी स्थिति बनी रहती है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपना परिचय दे दिया। मेरा नाम गुफरान अशरफी, सज्जाद अशरफी, खानकाह करीमिया, बीथो शरीफ।